नमस्कार दोस्तों, हम मौजूद हैं प्राचीन स्थल अग्रोहा पर, जहाँ पे बताते हैं कि 3000 वर्ष पूर्व यहाँ पर ये गांव हुआ करता था। अब मात्र एक टीला रह गया है। आइए देखते हैं अंदर से। ये अग्रोहा टीला अग्रोहा धाम से कुछ ही दूरी पर पड़ता है। ये जो आप यहाँ का स्वरूप देख पा रहे हैं, ये कभी पूरा अग्रोहा गांव बसा करता था। ये कैसे हुआ, कैसे एक पूरा बसा बसाया गांव जलकर राख हो गया, आइए बताते हैं आपको। ये बात करीब 3000 साल पूर्व की है, जब अग्रोहा गांव एक बड़ा खुशहाल गांव होता था। यहाँ पर दो साधु, एक का नाम धूम्रनाथ और दूसरा उनका चेला कीर्तिनाथ, दोनों साधु यहाँ अग्रोहा गांव में आए थे। उन्होंने आकर के यहाँ पर एक जगह पर धूना लगाकर धूम्रनाथ अपनी समाधि में बैठ गए और उनके चेला नित्य प्रति गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाता, लेकिन उसे गांव में कुछ भी देने की बजाय गांव वाले उसे दुदकार करके भगा देते थे। उसके बाद उसके साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। चेला बहुत परेशान था कि ये कैसी जगह पर गुरुजी लेकर के आए हैं, यहाँ ना कोई ढंग से बात करता है, ना कोई खाने को ही कुछ देता है। रोज की तरह एक दिन कीर्तिनाथ भिक्षा मांगकर खाली ही वापस लौट रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक कुम्हारिन मिल गई। कुम्हारिन ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन जैसी बन पड़ेगी आपकी सेवा करूँगी, आप मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। साधु कुम्हारिन के साथ चले गए। कुम्हारिन ने बड़ी सेवा की। बाद में कीर्तिनाथ वहां से आ गए। एक दिन गुरुजी ने समाधि त्यागी और अपने चेले से बातचीत की। बातों बातों में गुरुजी ने गांव के लोगों का हालचाल पूछा तो निराश होकर कीर्तिनाथ ने गुरुजी को बताया कि गुरुदेव, आप ये कहां ले आए हैं, यहां गांव में कोई भी सीधी मुंह से बात नहीं करता, भिक्षा के नाम पर सिर्फ दुदकार मिलती है। गुरुजी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने पूरे गांव को श्राप दिया कि ये गांव 24 घंटे के अंदर जलकर राख हो जाएगा। जैसे ही गुरुजी ने ये श्राप दिया और दोनों साधु वहां से जाने लगे, कीर्तिनाथ को उस कुम्हारिन की याद आई जिसने उसके बड़े प्यार से आवभगत की थी। उसने गुरुजी को सब बताया और गांव से जाने से पहले कीर्तिनाथ ने जाकर कुम्हारिन को गुरुजी के श्राप के बारे में सब बताया और गांव छोड़कर जाने के लिए कहा। कुम्हारिन ने गांव से जाने से पहले पूरे गांव में ये बात बताई कि गुरुजी ने श्राप दिया है कि पूरा गांव 24 घंटे के अंदर जलकर राख हो जाएगा, आप सब इस गांव को छोड़ करके मेरे साथ चलें। लेकिन कोई भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि श्राप के कारण ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन कुम्हारिन जो थी वो अपने परिवार के साथ वहां से चली गई। बताते हैं कि कुछ ही घंटों के बाद पूरे गांव में अंगारे बरसने लगे और इतने अंगारे बरसे कि पूरा गांव एक टीले में परिवर्तित हो गया। बताते हैं कि यहां से कुछ ही दूरी पर जहां वो कुम्हारिन जाकर रुकी थी, वहां का नाम कुम्हारिया गांव के नाम से जाना जाता है। ये कुछ पुराने समय की बनी
बिल्डिंग की दीवारें नजर आ रही हैं। बताया जाता है कि ये पुराने समय में कोई महल था। यहाँ पर पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई करवाई गई थी, जो खुदाई के दौरान बहुत सी पुरानी चीजें मिली थी, जिसमें से पहले की पुरानी मुद्राएं भी थी। ये कुछ पुराने समय की बनी इमारतों की दीवारें नजर आ रही हैं। बताया जाता है कि पुराने समय में ये कोई महल हुआ करता था। यहाँ पर पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई करवाई गई थी और खुदाई के दौरान बहुत सारी पुरानी चीजें भी मिली थी, जिसमें पहले की मुद्राएं भी थी। और ये अग्रोहा मंदिर नजर आ रहा है। ये कुछ पुरानी इमारत जिसको पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित रखा गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।